डिजिटल ख्वानदगी या लिटरेसी। आइए देखते हैं डिजिटल ख्वानदगी या लिटरेसी क्या है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और इससे वाबस्ता मालूमात को समझने और इनके मुनासिब इस्तेमाल करने की सलाहियत डिजिटल लिटरेसी या ख्वानदगी कहलाती है। डिजिटल लिटरेसी इंटरनेट और मुवासलाती निज़ाम जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स और इसमें इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ ऐप्स के ज़रिए मालूमात का हसूल है। इस वीडियो का मकसद गैर रस्मी तालीम के उसातिज़ा डिजिटल लिटरेसी की इस्तिलाह को समझ सकें और मौजूदा दौर में इसके इस्तेमाल और अहमियत से आगाह हो सकें। नंबर एक, डिजिटल लिटरेसी की तारीफ। डिजिटल लिटरेसी का मतलब है हमें टेक्नोलॉजी और डिजिटल दुनिया की समझ होना। ये हमें मौके, सोशल मीडिया और दीगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर काम करना सिखाता है। नंबर दो, डिजिटल लिटरेसी की अहमियत। डिजिटल लिटरेसी हमें ऑनलाइन तालीम का भरपूर इस्तेफादा हासिल करने में मदद फराहम करती है। डिजिटल हुनर और टेक्नोलॉजी हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सहूलत फराहम करते हैं और डिजिटल लिटरेसी हमें मुख्तलिफ सनतों में रोज़गार हासिल करने की सलाहियत भी देती है। नंबर तीन, डिजिटल खतरात और हिफाजत। डिजिटल लिटरेसी हमें अपने डेटा को साइबर हमलों से बचाने के लिए तदाबीर सिखाती है। नंबर चार, डिजिटल लिटरेसी की तरबियत। डिजिटल लिटरेसी ने रवायती तरीके तालीम के बरक्स ऑनलाइन तालीम कोर्सेज और स्कूल्स को हमारे घरों की दहलीज तक पहुंचा दिया है। तालीम और रिसर्च के लिए ऑनलाइन मुफ्त किताबें नई राहें खोल रही हैं। डिजिटल लिटरेसी की जिद्दतों की बदौलत ऑनलाइन मुलाजमतें रवायती नौकरियों का बेहतरीन मुतबादिल बनकर सामने आ चुकी हैं। आप घर बैठे लाखों रुपए कमा सकते हैं। ई कॉमर्स के ज़रिए से दुनिया भर के लोग माली तौर पर मुस्तहकम और खुशहाल हो रहे हैं। पैसे की लेन देन के लिए बैंक जाने के बजाय घर बैठे ऑनलाइन पैसे भेजे और मंगवाए जा सकते हैं। अब हमें अशियाई ज़रूरत की खरीदो फरोख्त के लिए बाज़ारों में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं।